नमस्कार आदर सत श्रीकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक अपडेटेड नोटिस के बारे में, जिसमें जो कि हम क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम जो है डिले हो चुके हैं, यानी कि उनकी डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, और अब आप एप्लीकेशन अभी तक नहीं भरी तो आप भर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो सकती है खुशखबरी, जो लोग भर चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकती है कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, किस तरह से नुकसान हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे मैं खोलूँगा एक गूगल क्रोम को, क्योंकि मैं आज आपको बिल्कुल लाइव दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से नोटिस आया है और उस नोटिस तक आपको किस तरह से पहुँचना है। तो सबसे पहले हम गूगल में लिखेंगे क्या NTA, ठीक है। तो NTA लिखा मैंने और गूगल पे मारा एंटर, और यहाँ पे मेरा जो सर्च आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उस पे जाके क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाके अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नीचे जाने के बाद मिलेगा, नीचे जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे मुझे मिलेंगे लेटेस्ट NTA। तो यहाँ पे जो है आपका आर्चीव, यानी कि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो पहले नोटिस पे मैं यहाँ पे रीड मोर कर देता हूँ, ठीक है। तो रीड मोर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट खुल के तैयार हो जाएगा, जो कि इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने में लगेगा थोड़े सा टाइम, यानी कि 5 से 6 सेकंड, और जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा हम उसको जाके जो है क्या ओपन कर सकते हैं। तो ओपन यहाँ पे होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अब ओपन हो रहा है, तो उसके बाद हमें जो है मिल जाएगा नोटिफिकेशन। कैसे डेट आया, आज है 31/5/2020, यानी कि 31 मई 2020। तो यहाँ पे जो है आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और आज ही ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा एक्सटेंशन और रिविजन ऑफ लास्ट डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NTA। NTA के द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्स की जो है लास्ट डेट, जो कि इस एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है, वो रिवाइज हो चुकी है, या फिर ये कहो कि वह एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि पहले भी काफ़ी बार जो है इसकी डेट आ चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में जो है डिले होने वाला है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के PhD और साथ ही साथ जो है ओपन मैट, जो कि MBA का एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है। तो उस एग्जाम के लिए अब आपको क्या था, करंट लास्ट डेट जो थी वो 31/5/2020 थी, ठीक है, 31/5/2020, ठीक है। अब ये डेट बढ़कर और रिवाइज होकर क्या हो गई है, 15 जून 2020। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा मोस्टली जो है सारे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि दूसरे नंबर पे है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तीसरे पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि JNU में एडमिशन लेने के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए। साथ ही साथ चौथे नंबर पे बात करूँ UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि UGC नेट, जिसकी तैयारी हम भी यहाँ पे करेंगे। और पाँचवें नंबर पर देखेंगे CSIR UGC नेट June 2020। तो June 2020 के जो एग्ज़ाम ये होने थे, ये सभी की करंट लास्ट डेट जो थी वो 31 मई 2020 थी, बट अब ये रिवाइज होके हो गई है 15 जून 2020। तो इन सभी के लिए अगर आप किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल दे रखी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि इग्नू के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूं, या कोई इन्फॉर्मेशन जो है आप इनसे लेना चाहते हैं, तो PhD और ओपन मैट के दो जो एग्ज़ाम है वो इग्नू के, वो ये NTA करा रही है, और इनके बारे में डिटेल अगर आपको लेना है तो करना क्या है आपको, आपको एक ईमेल आईडी दे रखी है ignu@nta.ac.in, इस पे जाके जो है आप ईमेल कर सकते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर जब बात बता रही है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बारे में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं ICAR, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR@nta.ac.in, तो इस पर जाके आप ईमेल कर सकते हैं और आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरे नंबर की बात करें अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि JNU के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बारे में अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप JNU@nta.ac.in पे जाके जो है ईमेल कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। और फोर्थ नंबर पे UGC नेट के बारे में बात करें, तो इसके लिए UGC नेट@nta.ac.in पे जाके जो है मेल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे की बात करें CSIR UGC नेट की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो CSIRnet@nta.ac.in के पर इस पे जाके मेल कर सकते हैं। अच्छा, आपको जो है नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, क्या कि सबमिशन जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM, मीन्स लास्ट डेट अब जो दे रखी है उसमें जो है शाम के 5 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और फीस के बारे में अगर बात करें, तो फीस के लिए आपको टाइम थोड़ा सा दे रखा है 11:50 PM पर, यानी कि रात के 11:50 तक आप जो है इसकी
पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पेमेंट करने के कुछ मोड दे रखे हैं, जैसे कि हर एग्ज़ाम में होते हैं, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है इसमें, बट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम के द्वारा हम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट किस तरह से करनी है, अपनी एप्लीकेशन से लॉगिन करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। तो किसी भी तरह की और क्लेरिफिकेशन चाहते हो, और अगर आप जो है ईमेल नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से नहीं आपको ठीक लगता, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके जो है आप डायरेक्टली कॉल करके यहाँ से जो है अपने किसी भी तरह के डाउट या क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही बताना था कि ये नोटिफिकेशन जो है आपका आ चुका है, जिसमें डेट एक्सटेंशन का नोटिस दे रखी है NTA वालों ने। ठीक, तो NTA जो है बहुत जल्दी जो है अगले एग्ज़ाम कराएगी, तो लॉकडाउन की वजह से ये जो है एग्ज़ाम डिले हो गया था। तो आपको इस नोटिस को देख के खुशी हुई या दुख, इस बारे में आप कमेंट में जाके बताना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।